बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी ऑल फाइन। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने होम टास्क अपना जो किया था वो पेज नंबर 15 एंड 16 थे। इसकी हमने एक्सरसाइज कर ली थी और रीडिंग भी हमने की थी, और 17 पे भी जो आपकी थी एक्सरसाइज वो भी हमने कर ली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 17 एंड ऑल्सो क्लोज ओपन योर नोटबुक्स, क्योंकि आज हम रिटन टास्क करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सो जस्ट ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट मार्जिन लाइन, सॉरी ड्रा मार्जिन लाइन एंड राइट डेट एंड डे। तो मैं आपको तो अगेन दे देती हूँ उसका, आपने जो कैसे उसका करना है। जस्ट आप राइट डेट हियर, मिडल में आप लिख लें एच डब्ल्यू, एंड में आपका आ जाएगा मंडे। टॉपिक लिखें इधर, ठीक है? आपका जो टॉपिक होगा आप यहाँ से लिख लें। इसका क्या था? काइंड्स ऑफ एनिमल्स। आप टॉपिक लिखें के आई एन डी एस, काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ए एन आई एन एम ए एल एस, एनिमल्स। इधर लिखें क्वेश्चन आंसर्स, और इधर से आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखे स्टार्ट कर दें, ठीक है? क्वेश्चन जो आप यहाँ से बुक पे देख लें पेज नंबर 17 पे, और आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ए पे वाई इज अ पैरट ग्रीन, पैरट पर वो ग्रीन क्यों होता है? तो अल्लाह पाक ने हर एनिमल को उसके बचाने के लिए कोई ना कोई उसको दे दी है उसकी एबिलिटी, तो वो कैसे अपने आप को बचा लेता है अपने एनिमी से। तो जो फेरेट का था वो ग्रीन कलर में होता है, और वो ग्रीन कलर के लीव्स में ही छुपके बैठता है। तो ये आज पेज नंबर 10 पे ओपन, यस जी, देखिए यहाँ पे पैरेट की तस्वीर है बनी हुई, उसी के साथ है द ग्रीन कलर ऑफ द फेरेट हेल्प्स इट टू हाइड इन ग्रीन लीव्स ऑफ ट्री। ये पूरा आपका आंसर बनेगा। जो ग्रीन कलर का पैरेट होता है वो तभी ग्रीन में होता है ताकि वो अपने ग्रीन लीव्स, अपने आप को वो ग्रीन लीव्स में छुपा ले। ये पूरा आप यही लिख लें कि इसीलिए पैरेट ग्रीन में होता है, या ऐसे कर लें अगर स्मॉल कर लें द ग्रीन कलर ऑफ द पैरेट हेल्प्स इट, बल्क इतना ही रहेगा इसको, या पूरा ही लिख लें, ठीक है? उसके बाद 17 पे अगेन आ जाए पेज पे, सेकंड क्वेश्चन इज विच एनिमल हैज शार्प क्विल्स। किसके शार्प क्विल्स होते हैं? ये जो ऊपर होते हैं क्विल्स होते हैं आपके पर, सबसे पहले शार्प किसके क्विल्स होते हैं? तो वो आ जाए आप पेज नंबर, ये देखें पेज नंबर जो आपका 11 है, ये क्विल्स देखें इसके, जो पोर्कपाइन जो है इसके ऊपर इतने इसके शार्प्स लाइके जो होते हैं ना आपके, जो उर्दू में हम जिनको बोलते हैं कांटे, तो आप जस्ट इसका नेम लिखेंगे पोर्कपाइन, कवर्ड नहीं थे आपको स्पेलिंग वहां से ले लें। तो जस्ट विच की जगह लिख लें, विच एनिमल्स की जगह लिख लें आप पोर्कपाइन, ठीक है? हैज शार्प क्विल्स, आपने क्या करना है जस्ट इसका नेम लिखना है पोर्कपाइन, यहां से आप लिखें, और विच एनिमल को काट के यहाँ पे लिखें पोर्कोपाइन हैज शार्प क्विल्स, डन, गुड। थर्ड वन इज व्हाट डज अ कैटरपिलर ईट। कैटरपिलर वो होती है, वो क्या खाती है? यस, वो ग्रीन लीव्स खाती है। तो कैटरपिलर वाले पेज पे हम आ जाते हैं, कैटरपिलर ये देखें यहाँ पे है पेज नंबर 12 पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैटरपिलर ईट्स लीव्स, आपने क्या करना है? कैटरपिलर ईट्स यहाँ से करें आ, ए कैपिटल हो जाएगा, आ कैटरपिलर यहाँ पे डज है तो ईट के साथ हम क्या एस लगा लेंगे, ठीक है? डज जो था उधर, तो इधर हो जाएगा ईट्स, आ कैटरपिलर ईट्स ग्रास, या सॉरी लीव्स कर दें, एल ई ए वी ई एस, ठीक है? आ कैटरपिलर ईट के साथ एस लग जाएगा, आ कैटरपिलर ईट्स लीव्स, डन। तो यही आपका होम टास्क है कि आपने 3 क्वेश्चन लिखने और याद करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके रिटर्न फॉर्म में चेक भी करूंगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।